Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ से देश के कई राज्यों से पहुंचे लोग हादसे का शिकार हो गए, जिसके बारे में शायद ही किसी ने नहीं सोचा था। कई परिवार वाले अपने घर के लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग अपने परिवार से हमेशा के लिए पिछड़ गए। ये हादसा कितना भयावह है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि घटना स्थल पर लाशों का ढेर पड़ा है। वहीं हाथरस भगदड़ की घटना पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का कहना है कि 100 से ऊपर लोग मृत हैं, जिसमें से 99% दलित हैं। इसके जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की सरकार है और केंद्र सरकार भी है। निंदा प्रस्ताव के लिए इनके पास समय था, लेकिन 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई, उनके मौन नहीं टूट रहे हैं। सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए, साथ साथ इन सभी मौतों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। ये बात 2 घंटा पहले ही हम लोग सदन में बार बार दे रहे थे कि 100 से ऊपर लोग मर चुके हैं और सबके सब 99% दलित हैं, वो जो डेथ हुई है। और इसके जिम्मेदार बिहार उत्तर प्रदेश सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। अब ये सदन में मौन तक नहीं रख पाए, अब आप हमको समझाइए ना। निंदा प्रस्ताव के लिए इनके पास वक्त था और 130 आदमी डेथ कर गए, उसके लिए इनके पास मौन का व्रत नहीं था। तो ये कितना संवेदनशील है इसको समझिए। ना इन्होंने घोषणा किया कि उसको हम 20-20 लाख रुपया देंगे, तो ना आपने घोषणा की, आपने सीधा लास्ट में 2 घंटे के बाद, 2 घंटे से सदन को लोकसभा स्पीकर को दिया जा रहा था कि घटना घट चुकी है, लेकिन इतने मग्न थे नरेंद्र भाई मोदी जी के भाषण में कि इस मौत को इतने हल्के में लिया गया। तो इसीलिए सरकार जिम्मेदार है और सरकार को देश से माफी मांगनी चाहिए और साथ साथ इस मौत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।